और दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 4,46,135 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 82,64,399 तक जा पहुंची है। अमेरिका में 1,19,132 अफराद मोहलिक वायरस के बायस मौत के मुंह में चले गए। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। अमरीका में वायरस से अब तक 1,19,132 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 22,08,400 हो चुकी है। अमरीका के अस्पतालों और करंतीना मराकज में 11,86,227 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 16,695 की हालत तश्वीशनाक है, जबकि 9,03,041 मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 9,28,834 तक जा पहुंची है, जबकि यह वायरस 45,456 जिंदगियां निगल चुका है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 41,969 हो चुकी है, जबकि केसेस की तादाद 2,98,136 हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 11,921 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 3,54,161 हो गई। इटली में कोरोना से मजमूई अमवात 34,405 हो चुकी हैं, जबकि अब तक कुल केसेस 2,37,500 रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में मजमूई हलाकतें 29,547 हो चुकी हैं, जबकि कोरोना केसेस 1,57,716 हो गए। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,91,408 मुसद्दका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 27,136 पर रुकी हुई हैं। जर्मनी में कुल अमवात की तादाद 8,910 हो चुकी है, जबकि कोरोना के केसेस 1,88,382 हो गए हैं। वायरस से रूस में कुल अमवात 7,284 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 5,45,458 हो चुकी है। पेरू में कोरोना वायरस के बायस 7,056 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, जबकि यहां कोरोना केसेस 2,37,156 रिपोर्ट हुए हैं। ईरान में वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 9,065 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,92,439 हो गए। तुर्की में जान बहक होने वालों की तादाद 4,842 हो गई, जबकि कुल केसेस 1,81,298 हो गए। सऊदी अरब में अब तक कुल अमवात 1,052 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 1,36,315 तक जा पहुंची है।